तो अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं ट्रेडिशनल आर्ट की क्यों बात कर रहा हूँ। फिल्म के डायरेक्टर्स और VFX सुपरवाइजर्स के फीडबैक को समझना, आपको छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। Hey, welcome back to another video. ये है RealFX. VFX से related सारी information के लिए आपका favorite channel. So, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी skills जो as a VFX artist आपको पता होनी चाहिए. फ़र्क नहीं पड़ता आप beginner हो या experienced हो, हर एक aspiring artist को ये skills पता होनी चाहिए. और video को पूरा देखना, end तक देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है. तो पहली स्किल, पैशन फॉर क्रिएटिविटी। सो सबसे पहली स्किल्स एक VFX आर्टिस्ट में होनी चाहिए, वो है उसका पैशन। अगर आपको बचपन से ही ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग में इंटरेस्ट है और आप ऐसे आर्ट्स के लिए पैशनेट हो, VFX एक ऐसा आर्ट है जिससे आप अपनी इमेजिनेशन को जान दे सकते हो, लाइफ दे सकते हो और स्क्रीन पे ला सकते हो। चाहे फिर वो माइंड ब्लोइंग एक्सप्लोजन्स हो, फैंटास्टिकल क्रिएचर्स हो या फिर ब्रेथ टेकिंग एनवायरमेंट्स हो, इनोवेटिव आइडियाज़ निकालना, क्रिएटिविटी की बाउंड्रीज़ को पुश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैंने एज ए VFX आर्टिस्ट शुरू में बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि VFX फील्ड एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड है और एज ए क्रिएटिव इंडिविजुअल आपको अपना पोटेंशियल दिखाना पड़ता है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि हाँ आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो। मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहिए, R&D करते रहिए। कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं TV शोज़ के VFX पे काम करता था, जो इंडियन TV शोज़ आते थे सीरियल्स, उनके VFX पे मैं काम करता था। जो VFX का जो क्वालिटी होता था वो बहुत ही एवरेज होता था, इवन एवरेज से भी कम होता था। आपने देखा ही होगा, बहुत सारे शोज़ अपने इंडियन TV शोज़ देखे होंगे, उनकी क्वालिटी कैसी होती थी। बट वो मेरी शुरुआत थी। सो धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया, धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करके आज मैं हॉलीवुड की मूवीज़ पे काम कर रहा हूँ। लाइक मार्वल्स की मूवीज़ पे भी मैंने काम किया है। अभी रिसेंटली जो एंटमैन की मूवी आई थी उस पर भी काम किया था मैंने। आप काम करते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ को इम्प्रूव करिए, अपनी क्रिएटिव आईज़ को डेवलप करिए। आप जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करते जाओगे आपकी क्रिएटिव आई डेवलप होगी। धीरे धीरे आपकी आईज़ जब डेवलप हो जाती हैं उस तरीके से, तो आपका काम ईजी हो जाता है और आपको और अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने लगते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, कोई मैंने बड़ा काम किया नहीं शुरू में मैं सीरियल पे ही काम करता था। सो काम करते रहना बहुत ज़रूरी है, नए आइडियाज़ डेवलप करते रहना बहुत ज़रूरी है, नए सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि VFX इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हर महीने, हर 6 महीने में नई टेक्नोलॉजी आती है। तो अपने आप को अपग्रेड रखना, अपने आप को क्रिएटिवली अपडेट करते रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने करियर में ये सब चीज़ें अप्लाई की तो मैं आज ऐसा बन पाया हूँ, आज मैं बड़े बड़े हॉलीवुड मूवीज़ पे काम करता हूँ। अगर आपका पैशन है तो आप ये चीज़ें ईजीली कर पाओगे। तो सेकेंड स्किल है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन ट्रेडिशनल आर्ट। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं ट्रेडिशनल आर्ट की क्यों बात कर रहा हूँ। CG क्रिएचर्स बनाना, एक्सप्लोजन्स बनाना, 3D कैरेक्टर्स बनाना, यही सब तो VFX है। लेकिन ट्रेडिशनल आर्ट में भी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना VFX आर्टिस्ट का प्लस पॉइंट हो सकता है, जैसे कि ड्राइंग, स्केचिंग और कलर थ्योरी के प्रिंसिपल्स। कलर थ्योरी का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना आपके कंपोजिशन को बहुत ब्यूटीफुल बना सकता है, और राइट कंपोजिशन का नॉलेज होना आपके आइडिया को विजुलाइज करने में हेल्प करता है। ओके, जब मैंने अपना VFX कोर्स परस्यू किया, उससे पहले मुझे VFX के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट था पेंटिंग्स बनाने में, ड्राइंग्स बनाने में। सो ट्रेडिशनल आर्ट में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट था और मेरा बहुत अच्छा नॉलेज भी था। जो मेरा इंटरेस्ट था ड्राइंग स्केचिंग में, वो मुझे VFX तक लेके आया। सो VFX सीखने के लिए सबसे पहले मैंने शुरुआत की फोटोशॉप के साथ। फोटोशॉप के साथ मैंने पेंटिंग्स बनाना शुरू किया, मैंने बहुत अच्छे अच्छे मैट पेंट्स बनाए। सो मुझे एक दिन एक टास्क मिला था, एक एलियन का लैंडस्केप बनाना था। तो पहले मैंने ऐसे बुक पे ड्रॉ करना स्टार्ट किया कि कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। सो वहाँ से मैंने शुरुआत की कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, फिर धीरे धीरे मैट पेंट बनाना शुरू किया कि हाँ मैट पेंट्स, रियलिस्टिक मैट पेंट कैसे बनाते हैं। और जब पेंटिंग्स बनाने की बात आती है फोटोशॉप में, तो कलर थ्योरी बहुत हेल्प करती है आपको। ओके, तो जब मैंने इंस्टीट्यूट में जाना स्टार्ट किया, तो शुरू में इन्होंने मुझे प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, वो सब उन्होंने सिखाया, और कलर थ्योरी भी उन्होंने मुझे सिखाई। तब जाके मैं इतने अच्छे मैट पेंट्स बना पाता हूँ, तब जाके मैं इतनी बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज़ में काम कर पाता हूँ। सो कलर थ्योरी एंड ट्रेडिशनल आर्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू आर गेटिंग स्टार्टेड इन VFX इंडस्ट्री। अगर आपका नॉलेज ट्रेडिशनल आर्ट में बहुत अच्छा है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है ये। तो हमारी थर्ड स्किल है टेक्निकल नॉलेज। तो अब आते हैं टेक्निकल नॉलेज पे। सो एज अ VFX आर्टिस्ट आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ऑटोडेस्क माया, न्यूक, आफ्टर इफेक्ट्स,
हुडिनी, फोटोशॉप। अगर आप इन सारे सॉफ्टवेयर्स के टूल्स को अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, तभी आप अपने आइडियाज़ को एक इमेज के रूप में अच्छे से क्रिएट कर पाओगे, तभी आप अपने आइडिया को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे, अपनी क्रिएटिविटी को विजुलाइज कर पाओगे। जहाँ पे मेरी पहली जॉब लगी थी, वहाँ पे मल्टीपल टास्क करते थे, जैसे कि कंपोजिटिंग, रोटो, पेंटिंग। शुरू में एक मुझे एक टास्क मिला था, फॉर एग्जांपल हैंड से एक इफेक्ट निकल रहा है और वो जाके किसी पे लग रहा है, तो वैसा इफेक्ट बनाना था, तो वो कंबशन में नहीं बन सकता था, लेकिन हम कंपोजिटिंग कंबशन में ही करते थे। तो वो इफेक्ट बनाने के लिए मुझे आफ्टर इफेक्ट ओपन करना पड़ता और उसमें जाके मुझे इफेक्ट बनाना पड़ता, तो उस वक्त मुझे आफ्टर इफेक्ट नहीं आता था, सो वहाँ पे मैं अटक गया। सारे टूल्स आना आपको बहुत ज़रूरी है बिगिनिंग में, कि आप अपनी क्रिएटिविटी को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सारे टूल्स सीखना, सारे टूल्स का नॉलेज रखना, कौन सा इफेक्ट कैसे बनता है, कौन से इफेक्ट के लिए क्या करना पड़ता है, कौन से इफेक्ट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हमको यूज़ करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो ये सारे टूल्स का नॉलेज होना आपकी क्रिएटिव विजन को स्क्रीन पे लाने में हेल्प करता है। सो हमारी फोर्थ स्किल है अटेंशन टू डिटेल। तो VFX एक ऐसा आर्ट है जहाँ पे आपको छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो किसी भी CG एलिमेंट का लाइव एक्शन के साथ लाइटिंग मैच करना हो, उसके शेडोज मैच करना हो, या फिर बहुत ही सीमलेस तरीके से किसी भी CG कैरेक्टर को लाइव एक्शन फुटेज के अंदर इंटीग्रेट करना हो, तो हर एक शॉट में छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना आपके शॉट को और रियलिस्टिक बना सकता है, आपके शॉट को और बिलीवेबल बना सकता है। जैसे कि मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, जब मैं एक पर्टिकुलर शॉट पे काम कर रहा था, एक किंग फिश का शॉट था, किंग फिश वॉज 100% CG, जो फिश थी वो 100% CG थी, उस फिश को लाइव एक्शन के साथ इंटीग्रेट करना था। इट वॉज लुकिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा कंपोजिशन बनाया था मैंने और VFX सुपरवाइजर को भी बहुत पसंद आया था, लेकिन उसमें बहुत सारी डिटेल्स मिसिंग थी, तो VFX सुपरवाइजर ने मुझे नोट्स दिए थे कुछ, तो वो नोट्स कुछ ऐसे थे कि आईज में रिफ्लेक्शन इंप्रूव करना था, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बढ़ाना था, थोड़ा सा सब सरफेस स्कैटरिंग बढ़ाना था ताकि वो लाइट इंटरेक्शन और अच्छे से दिखे। वो सारी चीज़ें मैंने इंप्रूव की और उसको इंक्रीज किया, रिफ्लेक्शन को इंक्रीज किया, लाइट इंटरेक्शन को इंक्रीज किया, तो वो और बिलीवेबल लगने लगा और रियलिस्टिक लगने लगा। सो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, आइस का रिफ्लेक्शन, आइस की लाइटिंग, या फिर उसके स्किन का टेक्सचर, ये सब चीज़ें मैटर करती है कि आपका शॉट कितना रियलिस्टिक लगेगा। सो ये सब चीज़ें इंप्रूव करना, छोटी छोटी डिटेल्स इंप्रूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जब मैंने ये किया तो मेरा शॉट रियलिस्टिक लगने लगा और फिल्म के डायरेक्टर को भी बहुत पसंद आया वो शॉट। जितना आप डिटेल्स को इंप्रूव करोगे, शॉट उतना ही रियलिस्टिक लगेगा, ऑडियंस को बिलीवेबल लगेगा। सो हमारी फिफ्थ स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडेप्टेबिलिटी। सो इन द वर्ल्ड ऑफ VFX अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम का अराइज होना बहुत ही कॉमन है। ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए आपको बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने में टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर उस वक्त आप उस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए तो आपकी क्रिएटिविटी में एक लिमिटेशंस आ जाती हैं। आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ सोच तो पाओगे लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो रिसेंटली मैं एक बहुत बड़ी हॉलीवुड मूवी पे काम कर रहा था, बिग बजट मूवी पे, उसमें एक शॉट मिला था मुझे, वो शॉट था उसमें टॉर्नेडो और डिस्ट्रक्शन को मुझे कंपोजिट करना था लाइव एक्शन फुटेज में। तो कंपोजिट करते टाइम मुझे डेब्रीज खुद डालनी थी, जो डेब्रीज उड़ती है, जो पार्टिकल्स उड़ती हैं, जो डस्ट उड़ती है, वो मुझे न्यूक में खुद डालने थे। जो न्यूक पार्टिकल्स का जो प्लगइन था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था न्यूक के ओल्डर वर्जन में, तो मैंने न्यूक का नया वर्जन चेक किया, उसमें अपडेटेड वर्जन में वो न्यूक पार्टिकल्स का प्लगइन सपोर्टेड था। फिर मैंने नया न्यूक का इंस्टॉलेशन करवाया, उसके सारे प्लगइन्स को अपडेट करवाया, सारे न्यूक पार्टिकल्स के लिए जो जो एसेट्स चाहिए थे मुझे वो सब मैंने इंस्टॉल कराए, उसके बाद मैंने उसको अच्छे से कर पाया। अब ये जो सिचुएशन थी मेरे क्रिएटिव आइडियाज़ को लिमिट कर रही थी, तो मैंने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया और इसको फिक्स किया। तो ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी चीज़ों को फिक्स करना आना चाहिए, नहीं तो आपकी क्रिएटिविटी रुक जाएगी। मतलब यू हैव टू कीप चेकिंग, आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि कौन कौन से नए अपडेट्स आ रहे हैं, कौन कौन से नए प्लगइन्स आ रहे हैं, कौन कौन से नए टूल्स आ रहे हैं, जिसकी हेल्प से मैं अपनी क्रिएटिविटी और इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने शॉट्स को और ब्यूटीफुल बना सकता हूँ। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब आखिरी स्किल, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन।
सो हर स्टूडियो में डिफरेंट आर्टिस्ट होते हैं, उनकी डिफरेंट एबिलिटीज होती है, उनकी डिफरेंट स्पेशलिटी होती है। तो अलग अलग आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना, उनके आइडियाज को समझना, उनकी क्रिएटिविटी को अडेप्ट करना, उनके थॉट्स को समझना, उनकी टेक्निकल एबिलिटीज को समझना, उनके साथ कोलैबोरेट करना आपको आपके करियर में हेल्प कर सकता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर शॉट पे काम कर रहे हो, अगर आप किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके उससे आइडियाज लेते हो, उससे क्रिएटिव फीडबैक्स लेते हो, उससे टेक्निकल फीडबैक्स लेते हो, तो आपके शॉट को इम्प्रूव करेगा वो चीज़, आपके शॉट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। फिल्म के डायरेक्टर्स और VFX सुपरवाइजर्स के फीडबैक को समझना और उसके फीडबैक को समझ के पॉसिबल क्रिएटिव आउटपुट्स देना। जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर शॉट पे काम कर रहा था, हॉलीवुड का एक मूवी था, उसमें मुझे एक शॉट मिला था और शॉट में मुझे क्रिएचर को अंडर वाटर कंपोजिट करना था। तो उस शॉट में कुछ कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस थे, तो मुझे लगा कि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने दूसरे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया और VFX सुपरवाइजर्स के साथ कोलैबोरेट किया ताकि मैं उसको और अच्छे से समझ के और रियलिस्टिक बना पाऊँ। सो कोलैबोरेटिंग विद द टीम एंड कम्युनिकेटिंग विद द VFX सुपरवाइजर, इट हेल्प्स यू टू ग्रो इन योर करियर, इट हेल्प्स यू टू ग्रो एज अ आर्टिस्ट। सो कोलैबोरेट विद VFX सुपरवाइजर्स, कोलैबोरेट विद फिल्म डायरेक्टर्स, कोलैबोरेट विद अदर आर्टिस्ट, इट विल हेल्प यू टू ग्रो एज अ आर्टिस्ट। ओके, तो यही कुछ स्किल्स थी। अगर आप इन स्किल्स को फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन पाएंगे, बहुत इंस्पायरिंग आर्टिस्ट बन पाएंगे। और एक्सपेरिमेंट करते रहिए, बनाते रहिए कुछ ना कुछ। अगर आपने मेरे इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, हाउ टू बिकम अ गुड VFX आर्टिस्ट, तो जाके प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें इन डिटेल में बताया है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चूज़ करना है, आपको कौन सा इंस्टीट्यूट चूज़ करना है अगर आपको एक अच्छा VFX आर्टिस्ट बनना है तो। सो आगे भी मैं ऐसे इन डेप्थ और वीडियो लेके आऊँगा कैसे आप अच्छे VFX आर्टिस्ट बन सकते हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे क्रिएटिव।